सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे यानी कि अब से बस थोड़ी देर के बाद भगवान श्रीनाथ की पूजा करेंगे और ये पूजा सुबह 11 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग सीएम योगी का तिलक उत्सव भी करेंगे। गोरक्षनाथ पीठ में सीएम योगी का तिलक उत्सव कार्यक्रम होगा और इसके बाद दोपहर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सीएम योगी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर के नजदीक रामलीला मैदान में सीएम योगी भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। पूरा देश आज जहां बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मना रहा है तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी दशहरा कुछ खास अंदाज में मनाएंगे। गोरक्ष पीठाधीश पर आज दशमी के दिन सीएम नहीं बल्कि दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे। गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा से धूमधाम से निकलेगी। गोरक्ष पीठाधीश पर खुद इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। पीठाधीश पर गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन पर सवार होंगे और शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी और यहां गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी और यहां चल रही रामलीला में वो प्रभु श्री राम का राज तिलक भी करेंगे और साथ ही शाम को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का आयोजन होगा जिसमें हर वर्ग के लोग भी शामिल होंगे। तो विजयदशमी पे आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये शोभा यात्रा जो है वो गोरखनाथ मंदिर से होते हुए मानसरोवर मंदिर तक पहुंचेगी और बताया जा रहा है कि मानसरोवर मंदिर पे ही जहां पर रामलीला हो रहा है वहीं पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान राम का राज अभिषेक भी करेंगे। हालांकि हर बार देखा जाता है कि दशहरे के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं और जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उन सभी परंपराओं को निभाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए सीएम योगी इस बार थोड़ा खास अंदाज में नजर आएंगे विजयदशमी के मौके पर और तैयारियां बताई जा रही हैं कि लगभग पूरी हो चुकी हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ही भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी जो कि सुबह 11 बजे तक चलेगी और फिर दोपहर 3 बजे के बाद ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दंडाधिकारी की भूमिका में आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। हालांकि इस शोभा यात्रा की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बताया जा रहा है कि जगह जगह पर निगरानी भी रखी जा रही है क्योंकि आज विजयदशमी के मौके पर देखा जाता है गोरखपुर में किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती है। और गोरखनाथ मंदिर की अगर बात करें गोरखनाथ मंदिर से लेकर राजघाट तक जो मूर्ति विसर्जन के लिए लाइन लगी होती है उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की निगाहें बनी हुई हैं। कैमरे से भी नजर रखी जा रही है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ में मौजूद हैं और क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद जब पूजा शुरू हो जाएगी तो 11 बजे तक श्रीनाथ जी की पूजा चलेगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा की भी भव्य तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं।